तो चले फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रैक्शंस के सम्स न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट जो उनको टेक मैक्स में जो न्यूमेरिकल दिए गए उसमें सारी बहुत सारी मिस्टेक्स दिए गए, तो देखते हैं क्या क्या मिस्टेक्स है। और ये जो हम लोग सम अभी जो सम सॉल्व करने जा रहे हैं उसके उसमें ये फॉर्मूला चूज करना है, ठीक है। ट्रैक्टिव एफर्ट का फॉर्मूला है ईटा इंटू टी टू गामा बाई डी। तो इसमें जो ईटा है, ईटा इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी, गामा इज इक्वल्स टू गियर रेशियो, डी मतलब ये वाला डायमीटर इन मीटर्स, और टी मतलब टॉर्क। बराबर, ये एक हो गया ट्रैक्टिव एफर्ट का फॉर्मूला। और ट्रैक्टिव एफर्ट का सेम दूसरा फार्मूला है अपना 277.8 डब्ल्यूई, डब्ल्यूई मतलब इफेक्टिव वेट प्लस और माइनस। अगर ट्रेन अपना ऊपर जा रहा है तो प्लस आएगा, अगर नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी उसको सामने से खींचेगी ना, मतलब ट्रेन को उतना प्रेशर कम लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे माइनस आएगा 98.1 ओमेगा आई मीन सॉरी डब्ल्यू इंटू जी प्लस ओमेगा इंटू आर। ये सब इंटू है, सफिक्स नहीं है, मतलब छोटा वाला पार्ट नहीं है, आर ये कैपिटल, ओमेगा जी है। वेर ओमेगा इज इक्वल्स इफेक्टिव वेट, डब्ल्यू इज इक्वल्स मतलब ये अपना डब्ल्यू वेट ऑफ द ट्रेन, अल्फा इज इक्वल्स एक्सेलरेशन, जी इज इक्वल्स ग्रेडियंट, आर इज इक्वल्स ट्रेन रेजिस्टेंस। बराबर, और जो अल्फा का फॉर्मूला होता है, मीन्स हम लोग एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा होता है, टी का फॉर्मूला होता है, टी इज इक्वल्स टू वी एम अपन अल्फा। ओके, तो अल्फा का फॉर्मूला वी एम अपन टी। ओके, टोटल आउटपुट फ्रॉम ड्राइविंग एक्सेल, टोटल आउटपुट फ्रॉम ड्राइविंग एक्सेल, और टोटल पावर आउटपुट फ्रॉम ड्राइविंग एक्सेल इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई वी डिवाइड बाई 3600। ओके, टाइम के कंसिडरेशन में 3600, वी अपना स्पीड है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। ओके, मोटर आउटपुट। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। ओके, तो बराबर से एडजस्ट कर लेता हूँ। चलिए, तो हम लोग को न्यूमेरिकल दिया गया है ये वाला। ओके, तो मैं पढ़ता हूँ। तो हम लोग न्यूमेरिकल लिया, 250 टन्स मोटर, कोच हैविंग मोटर्स एंड डेवलपिंग टॉर्क, ईच मोटर डेवलपिंग अ टॉर्क ऑफ 6000 न्यूटन मीटर, और जैसी चार मोटर्स है, मतलब फोर मोटर्स, तो टॉर्क डेवलप बाय अ फोर मोटर इज इक्वल्स टू फोर मल्टीप्लाई बाय 6000, तो न्यूटन मीटर में आ गया अपना टॉर्क 24000। हम लोग को एफिशिएंसी दिया गया 87%, और गियर रेशियो दिया गया है गामा इज इक्वल्स टू फोर, ये गामा। ओके, गामा इज इक्वल्स टू फोर, और डीवीसी दिया है, मतलब डीसी वोल्टेज इज इक्वल्स टू 3000 वोल्ट दिया है, रेडियस दिया है 40 सेंटीमीटर्स, डायमीटर दिया है अपने को क्या मिलेगा, मतलब मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो 80 सेंटीमीटर्स आ गया, उसको मीटर में कर दिया मल्टीप्लाई बाय 10^-2 तो 0.8 मीटर्स हो गया, राइट। ट्रेन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन पर टन, बराबर 50 न्यूटन पर टन, और ग्रेडियंट दिया है अपने को जी इज इक्वल्स टू 40 इन 100। दूसरा पार्ट हम लोग को दिया है रोटेशनल इनर्शिया इज इक्वल्स टू 12%। ओके, 12%, अभी देखो इनर्शिया का यूज़ कहाँ पे होगा, डब्ल्यू मतलब जो रहेगा इफेक्टिव वेट इज इक्वल्स टू, और हम लोग को दो डब्ल्यू वेट इफेक्टिव वेट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई इनर्शिया प्लस ओमेगा, यहाँ पे इनर्शिया परसेंटेज में नहीं रहेगा, तो इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया 12/100 कर दिया 0.12 आ गया, बराबर, तो ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा सॉरी अपना वेट मल्टीप्लाइड बाई 0.12, 250 × 0.12 प्लस ये 250, तो आंसर क्या आएगा इसका 30 हो गया, 30 + 250 इज इक्वल्स टू 280 टन्स। बराबर, हम लोग को फाइंड करने बोला है टाइम टेकन टू अटेंड 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड, टाइम टेकन टू अटेंड 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड ड्यूरिंग नॉचिंग पीरियड, बराबर, करंट ड्यूरिंग नॉचिंग पीरियड बोला है फाइंड करने को, करंट ड्यूरिंग नॉचिंग पीरियड, और ये तो एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू हम लोग को फॉर्मूला दिया है ईटा इंटू टी टू गामा बाई डी, तो पूरा सब वैल्यूज पुट कर दिए यहाँ पे हर एक जगह पे वैल्यू, ईटा इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी ऑफ द मोटर तो 0.87% भी नहीं लिखना है, डिवाइड बाई 100 करके लिखना है, और ये टी मतलब टॉर्क डेवलप बाई फोर मोटर्स तो 24000, और यहाँ पे क्या दिया है ये लोग ने सॉरी सेम है, टॉर्क डेवलप बाई ईच मोटर इज इक्वल्स टू 24000 बराबर इंटू 2 × 4, तो आंसर हमारा आ रहा है 2088 00, और ये लोग आंसर कुछ लगा रहा है इतना रहा है आई मीन 2,04,000 आ रहा है, और हमारा आ रहा है 2,08,800, मतलब टॉर्क हमारा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है 2,08,800 आ रहा है, बराबर
तो एफ ऑफ टी पुट का फॉर्मूला पुट किया जो हमने आगे देखा था, ये वाला फॉर्मूला टॉर्क का फॉर्मूला, फर्स्ट वाला यूज़ कर लिया, फिर सेकंड वाला यूज़ कर लिया। ओके, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 277. डब्ल्यू ई इंटू अल्फा प्लस 98.1 ओमेगा जी प्लस ओमेगा आर। ओके, 208800 और हम लोग क्वेश्चन में अल्फा बी, अल्फा नहीं दिया गया है, अल्फा हम लोग फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन, अल्फा मतलब क्या एक्सेलरेशन है ना, तो अल्फा इंटू जी 2.5। तो अभी इसका एक छोटा सा ट्रिक है जो मेरे को शैलेश ने बताया था डिप्लोमा के टाइम पे, है तो क्या है 288800 इज इक्वल्स टू 277.8 इंटू 280 मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी डाल दे सकते हैं अल्फा करके, कुछ भी डाल दिया वाई, ओके देन प्लस साइन 98.1 मल्टीप्लाइड बाय 250 इंटू 4 प्लस 250 इंटू 50 तो एरर आया, इक्वल्स करे तो एरर आया, बैक जाएंगे शिफ्ट दबा के सॉल्व कर दिया, जीरो यहाँ पे जीरो होना चाहिए, अगर जीरो नहीं है तो जीरो डाल देंगे। ओके, इक्वल्स टू कर दिया आंसर, तो हमारा आंसर आ गया 1.26, तो हमारा आंसर आ गया 1.26। और एक बात देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये लोग ने लिखा हुआ है ट्रेन रेजिस्टेंस इज 50 न्यूटन, बराबर यहाँ पे क्या लिखा है 50 न्यूटन, और जब यहाँ पे पुट कर रहे हैं आर की वैल्यू ट्रेन रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे 40 डाल रहे हैं, मतलब कैसा आ गया, 10 का कमी हो गया मतलब। ओके, तो ये आ गया अपना आंसर, तो यहाँ पे जहाँ से मैंने 50 डाला है इसलिए आंसर अलग आया, ये लोग का आंसर आ रहा है 1.15, मेरा आ रहा है 1.26 क्योंकि यहाँ पे बढ़ गया ना वैल्यू। और टाइम टेकन टू अटेन द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर, टाइम टेकन टू अटेन द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर, क्योंकि अल्फा हमने ले लिया और यहाँ पे अल्फा ही लगता है, टी इज इक्वल्स टू वी एम अपन अल्फा, क्योंकि अगर जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं ट्रेपेज़ॉइडल या फिर कोई भी टाइम कर्व के लिए, तो ये होता है अपना एक्सेलरेशन पीरियड टी वन, बराबर वी एम मीन्स फ्री रनिंग मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे एक्सेलरेशन फ्री रनिंग और ब्रेकिंग मीन्स रिटार्डेशन, बराबर। तो इतना हमारा आंसर आ गया 50 डिवाइड बाई 1.26 39.06 सेकेंड्स मिल गया, बराबर यहाँ तक आ गया। अभी देखो क्या हमारे यहाँ फर्स्ट कंडीशन तो हो गया टाइम टेबल टू टेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, बराबर मतलब यहाँ पे टाइम जो हमने लिया 50 किलोमीटर, मतलब ट्रेन को 50 किलोमीटर की स्पीड पहुँचने में 39 सेकेंड लगे, मतलब 40 सेकेंड तक लग गए, और फरारी की गाड़ी तो 3-4 सेकेंड में पहुंच जाती है। ओके, तो पावर आउटपुट का फॉर्मूला है पी इज इक्वल्स पी टी इंटू वी डिवाइड बाई 3600, पी टी इंटू वी डिवाइड बाई 300 एफ टी इंटू वी डिवाइड बाई 3600 के डब्ल्यू, तो बराबर एफ टी डाल दिया, एफ टी यहाँ से उठा लिया, एफ टी आ गया 50, अपना ये जो हमारा आंसर आया इसको क्वेश्चन में ही दिया गया अपने को 50 किलोमीटर आवर पर सेकेंड, ये वाला कहाँ गया 50 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, बराबर। तो यहाँ पे डाल दिया वैल्यू और उसका आंसर आ गया 2900। ओके, 2900 अपना आंसर आ गया, और इनपुट पावर ऑफ द मोटर इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट पावर मोटर इज इक्वल्स आउटपुट ऑफ इनपुट, तो मोटर से आउटपुट कितना मिला, इतना आउटपुट मिला मोटर से के डब्ल्यू में, तो 9200 डिवाइड बाई 0.87 मोटर का एफिशिएंसी हम लोग को दिया गया पहले से ही, तो अपना जो आंसर मिला के डब्ल्यू इतना आंसर आया 3333। ओके, 333.333। ओके, ये आया पी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, पी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, अपने को पता ही है फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या दिया हमने, पावर जो आउटपुट है वो पावर आउटपुट लिख दिया, इधर वोल्टेज हम लोग को दिया था 3000, यहाँ पे देख लीजिए 3000 हम लोग को दिया गया, बराबर। तो आई क्या हो गया अपना करंट ड्यूरिंग नॉचिंग पीरियड, बराबर। पर क्या होगा देखो, ये जो है ना के डब्ल्यू में दिया गया, अभी मैं अगर ये इसको 3000 को नीचे भेज देता हूँ तो इसके नीचे आ गया 3000, और मल्टीप्लाई पर 1000 क्यों गया, क्योंकि किलो वेट का वेट में करेंगे तो ही हम लोग को एम्पियर में मिलेगा, अगर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो हम लोग को किलो एम्पियर में मिलेगा। ओके, देखिए अगर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो आंसर आएगा किलो एम्पियर में, तो अगर आंसर हमने डिवाइड किया तो आंसर हम लोग को मिल रहा है, क्या मिल रहा है 1111 का चंदा। ओके, तो एम्पियर लग गया इतना, 111 एम्पियर मिला, पर ये जो करंट मिला वो सब चारों मोटर शेयर कर रही है, बराबर। तो ये जो करंट है चारों मोटर शेयर कर रही है, तो दिस इज द करंट इज टोटल करंट ड्रोवन 4 बाय 4 मीटर, दिस इज करंट टोटल करंट ड्रोवन बाय 4 मोटर, करंट ड्रोवन टू ईच मोटर इज इक्वल, ये जो आंसर आया उसको डिवाइड कर दिया 4 से, बराबर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया, तो बराबर यहाँ पे फर्स्ट सम में मिस्टेक खाली कुछ नहीं दिया, यहाँ पे ही मिस्टेक दिया पूरा, यहाँ से चेंज हो गया, तो ये लोग का वैल्यू कम आ रहा है क्योंकि हमारा टॉक ज़्यादा मिला ना हम लोग को, 8000 टॉक मिला, और यहाँ पे
271 RPM का MPS आया, हम लोग को मिला 277/77 RPM मिला। मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ क्योंकि जल्दी वीडियो जल्दी ख़त्म हो सके। ओके, ये अपना सेकंड सम है। ओके, तो सेकंड सम में जो हम लोग को गिवन डाटा दिया गया पूरा, वो बहुत ही मज़ा आ रहा है सेकंड सम सॉल्व करते हैं। ओके, तो सेकंड सम का पहले क्वेश्चन देख लीजिए। अ ट्रेन रनिंग बिटवीन टू स्टेशन 2 किलोमीटर, दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस दिया 2 किलोमीटर अपार्ट एट एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, द रन इज टू बी मेड अकॉर्डिंग टू ट्रेपेजोइडल, यहाँ पे लिखा है ट्रेपेजोइडल बराबर। इफ द मैक्सिमम स्पीड इज टू बी अटेंड, इज द मैक्सिमम स्पीड इज टू बी लिमिटेड 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे लिमिट कर रहा है मैक्सिमम, एक्सीलरेशन दिया, चलो यहाँ तक भी ठीक था, कॉस्टिंग दे दिया। अभी ट्रेपेजोइडल में कॉस्टिंग तो आता है ही नहीं बराबर, कॉस्टिंग तो आता ही नहीं ट्रेपेजोइडल में, ट्रेपेजोइडल में आता है फ्री रनिंग, इसको ट्रेपेजोइडल बोलते हैं। यहाँ पे आता है फ्री रनिंग एफ आर ए, और ये यहाँ पे आता है ए बीटा सी कॉस्टिंग, और बी मतलब बी सी मतलब समझते हो बीटा सी बराबर। तो एक्सेलरेशन लोगों को दिया 2 किलोमीटर पर सेकंड, कॉस्टिंग दिया 0.15 सेकंड्स, और ब्रेकिंग रिटार्डेशन दिया 3 किलोमीटर पर सेकंड, डिटरमाइन द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सेलरेशन एंड कॉस्टिंग। एग्जाम में यही सब आना चाहिए, ऐसा लिखा होना चाहिए ट्रेपेजोइडल, यहाँ पे कॉस्टिंग देना चाहिए, हम लोग को 10 में 10 मार्क मिलेगा बगैर सॉल्व किए, क्योंकि सम गलत हो जाएगा वहाँ पे, राइट। तो स्टार्ट करते सम, तो बहुत ही चीज़ हमें फॉर्मूला का क्या यूज़ होगा इसमें देखते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम का वो बनाया क्योंकि सम दिया है क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग बराबर। तो एक्सेलरेशन पीरियड, कॉस्टिंग रिटार्डेशन, ब्रेकिंग रिटार्डेशन बराबर। इसका अगर हम लोग टाइम कंसिडर करेंगे T1, T2, T3। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे सिर्फ स्पीड ड्रॉप हो गया, इसको फ्री रनिंग नहीं मिलेगा बराबर। और हम लोग को V1 दिया गया मैक्सिमम स्पीड, V1 मतलब मैक्सिमम स्पीड दिया गया अपने को 60 किलोमीटर पर आवर बराबर। और V2 नहीं दिया गया, तो यहाँ पे इसका ग्राफ पे अगर लेंगे तो 60 हो जाएगा, इसका ग्राफ पे लेंगे तो क्वेश्चन मार्क बनेगा। अभी देख रहे हैं फॉर्मूला से अपने जो सम में यूज हो गया, ड्यूरेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू T1 V1 अपन अल्फा, यहाँ पे रहेगा अल्फा, तो V1 अपन अल्फा, V1 मतलब स्पीड 1 अपन अल्फा, तो हम लोग को टाइम मिल जाएगा बराबर। तो ये जो हुआ इतना पार्ट, बीटा सी का पार्ट है, तो बीटा सी में क्या करेंगे, मैक्सिमम स्पीड है ना, तो V1 माइनस V2 डिवाइड बाई बीटा सी इज इक्वल टू मिल जाएगा अपने को T2 मीन्स ड्यूरेशन ऑफ कॉस्टिंग बराबर, ड्यूरेशन में कॉस्टिंग मिलेगा यहाँ तक। तो T1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, तीनों का टोटल, और बीटा सी भी आपको समझ जाएगा कैसे आया, मीन सर T3 कैसे आया अपना, T3 मतलब टाइम फॉर रिटार्डेशन, ब्रेकिंग रिटार्डेशन, T3 मतलब टाइम फॉर रिटार्डेशन, V2 अपॉन बीटा। ओके, और तीनों का अल्फा बीटा और बीटा सी तीनों का यूनिट रहेगा किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड बराबर। तो इसका ये सबका टाइम है, जो टाइम का यूनिट तीनों का सेकंड हो जाएगा, और टी मतलब क्या टोटल टाइम, T1 प्लस T2 प्लस T3। और क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है S इज इक्वल टू VA इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर पर आवर, और V1 इज इक्वल टू VM इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, Beta C इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, और Beta इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। डिटरमाइन T1, T2 एंड T3, मतलब हम लोग को टाइम फाइंड करना है, ड्यूरेशन ऑफ कॉस्टिंग, ड्यूरेशन ऑफ ब्रेकिंग रिटार्डेशन और ड्यूरेशन ऑफ एक्सेलरेशन बराबर। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्सेलरेशन हमारा पहला पार्ट फाइंड करने का है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सेलरेशन T1 इज इक्वल टू V1 अपन अल्फा, क्योंकि क्या होगा, V1 मतलब मैक्सिमम स्पीड 60 डिवाइड बाई 2 कर दिया, क्या गया 30। और यहाँ पे देखिए आप, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है 60 बराबर, यहाँ पे उसके 60, फिर से आपको दिखा हुआ इसमें एक बार और द डिस्टेंस, देखो ये मेरे को पता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर। तो एक्चुअल टाइम ऑफ रन इज इक्वल्स टू टी, ये हम लोग को दिया है डिस्टेंस, कितना दिया है 2 किलोमीटर बोला है ना, वो लोग ने 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे बोला 2 किलोमीटर, यहाँ पे कर दिया है 3 किलोमीटर, एक बढ़ गया, ऐसा होना चाहिए, डिस्टेंस बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे फिर से 2 कर दिया। ओके, तो ठीक है, तो 2/40 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/20, 1/20 से 3600 3600/20 करते हैं तो आंसर आएगा अपना 180, और 3600 मल्टीप्लाई क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट में 1 मिनट होता है 60 सेकंड, तो हो गया 3600, तो 3600 मल्टीप्लाई करते हो क्योंकि हम लोग फाइंड कर सकते हैं आंसर सेकंड्स में, और हर एक समय में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ओके, ड्यूरेशन ऑफ कॉस्टिंग का फॉर्मूला क्या था जो हमने यहाँ पे देखा था अभी, जस्ट V1 माइनस V2 डिवाइड बाई बीटा सी कर दिया, हम लोग को पता है क्या, खाली V1 ही पता है हम लोग को, तो V60 और V2 कर दिया 0.15 कर दिया बराबर। T3 इज इक्वल टू क्या होगा,
ये स्पीड v2 हम लोग जानते ही नहीं उसको, v2 डिवाइड बाय बीटा, बीटा इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे देखिए आप लोग क्या करते हैं लोग, तो देखिए v1 इज इक्वल टू v1 माइनस v2, तो यहाँ पे डाल दिया 64। यहाँ पे अच्छा बढ़ रहा है, यहाँ पे है 60, यहाँ पे हो गया 64। और v2 तो हम लोग को फाइंड करना है, अभी नेक्स्ट टाइम में फाइंड करेंगे हम लोग। और बीटा बीटा यहाँ पे गया 3, यहाँ पे हो गया 3.2। तो मैंने यही फॉर्मूला ये वैल्यूज लिया, 60 लिया है यहाँ पे और 3 लिया है बराबर। तो एग्जाम में जो आएगा उसके हिसाब से सॉल्व करके हम लोग टी इज इक्वल टू 180 30। यहाँ पे मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो टी इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3। ये अपना आ गया t1 का आंसर आ गया 30, t2 इज इक्वल टू 60, t3 इज इक्वल टू v2 बराबर बाई 3। तो 180 30 t2 का आंसर लिखा है यहाँ पे, t3 का आंसर लिखा, फिर आ जाएगा अपना कैलसी बराबर। तो 180 अल्फा करके इक्वल्स टू 30 60 माइनस, मैं अभी अल्फा ऐप डालता हूँ मेरी मर्जी, 0.15 नहीं कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हैं अल्फा करके, कोई भी अपना जो ABCD लिखा रहता ना वो कुछ भी डाल सकते हैं बराबर। प्लस v2 अल्फा करके है, पर सेम रखना है वेरिएबल v2 डिवाइड बाई 3। ओके इतना डाल दिया वैल्यूज पूरा ख़त्म, तो शिफ्ट करके सॉल्व कर दिया आंसर, यहाँ पे 0 है तो 0 इक्वल्स कर दिया और 39 आ गया अपना आंसर। आंसर आया 39.47। अगर मैंने पहले यहाँ पे 3.2 लेके सॉल्व किया था और यहाँ पे 64 लेके सॉल्व किया था तो अभी मेरा आंसर आ रहा था 43, पर अपना आंसर आया 3.47 किलोमीटर पर आवर बराबर। तो ओके फिर d2 हम लोग को मिल गया ना, v2 मिल गया, तो v2 को रख दो यहाँ पे, तो 16 टू ये, तो हम लोग को t2 मिल जाएगा ड्यूरेशन ऑफ कॉस्टिंग और ड्यूरेशन ऑफ ब्रेकिंग फाइंड कर लेंगे बराबर। तो v2 बाई 3 कर दिया, तो यहाँ पे v2 डाल दिया v2 बाई 3, तो आंसर लगा ये अपना। ओके 3 क्यों, क्योंकि बीटा हम लोग को दिया हुआ है 3 बीटा, बीटा मतलब क्या अपना ब्रेकिंग रिटार्डेशन, ये कॉस्टिंग रिटार्डेशन। ओके तो सेकेंड सम यहाँ पे हो गया सॉल्व, तो अब जाते तीसरे सम की ओर। ओके तो ये तीसरा सम बहुत ध्यान से देखिए, ये सम आप टेक्मेक से सॉल्व करेंगे तो होगा ही नहीं, रेफरेंस बुक से सॉल्व करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यूज हुआ है। अच्छा 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 या मिल गया तीसरा सम, बहुत खतरनाक सम तो नहीं है, बहुत ईजी सम है बराबर। तो हम लोग को यहाँ पे दिया गया है 400 टन का कार्गो वेटिंग अ टन इज टू सॉरी अ गुड्स इज वेटिंग टू 400 टन्स इज टू बी होल्ड बाय अ लोकोमोटिव बाय टू ग्रेडियंट इज 2%, मीन्स ग्रेडियंट हम लोग को जी दे दिया है 2% बराबर। कोएफिशिएंट ऑफ अडहेशन इज इक्वल टू 20% मतलब ये 20% को चेंज कर लिया परसेंटेज में, तो 20/100 कर लिया, तो कोएफिशिएंट ऑफ अडहेशन मतलब म्यू मिल गया अपने को 20। ट्रेक रेजिस्टेंस इज 45, तो एक रेजिस्टेंस 45, आर मतलब 45 यहाँ पे लिखा गया नहीं है आर को, तो आर लिख देते हम लोग, आर इज इक्वल्स टू 40 क्या लिखा है इधर 45 लिखा है इधर बराबर। तो हम लोग लेंगे इसको 40, क्योंकि मैं नहीं ले रहा हूँ, ये लोग ही ले रहे हैं 40, देखो आर को वो लोग 40 ले रहे हैं बराबर। तो मैंने यहाँ से 40 ले लिख के सॉल्व किया, तो 40 लेके करते आगे बराबर। तो अभी देखिए चलो यहाँ तक 40 हो गया, और इफेक्ट ऑफ रोटेटिंग मास, इफेक्ट रोटेटिंग मास मतलब क्या है, इनर्शिया मतलब अपना आई, द इफेक्ट ऑफ रोटेटिंग मास इज इक्वल टू 10% बराबर। तो उसको उसमें 10 चेंज कर देगा तो 0.1 आ जाएगा यहाँ पे आता है। इफ एक्सेल लोड इज नॉट एक्सीड 20 टन्स, एक्सेल लोड इज नॉट एक्सीड 20 टन्स बराबर, 20 टन से बन नहीं रहा है, डिटरमाइन क्या डिटरमाइन करना है हम लोग को, वेट ऑफ द लोकोमोटिव ट्रेन का वजन फाइंड करने का है, द नंबर ऑफ एक्सेल, नंबर ऑफ एक्सेल्स मतलब एक्सेल मतलब अपना घूमता है ना वो, ओके साफ्ट मतलब साफ्ट क्या जो लगता है उसको एक्सेल बोलते हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्टर्स कोएफिशिएंट ऑफ अडहेशन, मतलब इतना थियरी क्वेश्चन साथ में दिया है, नहीं देना चाहिए ये, नहीं देना चाहिए, निकल देना चाहिए। ओके तो ओमेगा ये मतलब क्या होता है, इफेक्टिव वेट ऑफ द ट्रेन, इफेक्टिव वेट ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू ये अपना फॉर्मूला w मल्टीप्लाई बाई इनर्शिया प्लस w बराबर। भाई इसके लिए हम लोग ने अपना एक घंटा वेस्ट किया, पर मिला था नहीं मेरे को, फिर बाद में पता चला रोहित गुप्ता ने मेरे को बताया। ओके तो
मतलब सिंपल फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू W इंटू इनर्शिया प्लस ओमेगा। मतलब ये अगर ये आप देखने जाएंगे ना रेफरेंस बुक में भी नहीं मिलेगा साला। ओमेगा यहाँ पे W डाल दिया, इनर्शिया डाल दिया 10/100 इंटू ओमेगा, आई मीन W को कॉमन ले लिया, दोनों से W को कॉमन लिया तो क्या बचेगा 0.1+1, इसका हो गया 0.1+1 तो क्या हो गया 1.1। तो W इज इक्वल टू क्या मिला, W इज इक्वल टू W मल्टीप्लाइड बाई 1.1 बराबर। तो 1.1 W को इधर नीचे भेज दो, W को इधर नीचे भेज दिया, W इज इक्वल टू W 1.1 आ गया बराबर। हम लोग को वेट फाइंड करना है, देखिए इन शॉर्ट हम लोग को वेट फाइंड करना है फाइनल में। तो FT इज इक्वल टू क्या दिया है 277.8 WE इंटू अल्फा प्लस 98.1 WE इंटू जी W इंटू आर। ओके मतलब यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे नहीं है, बड़े बड़े है, बड़े अक्षरों में है तो इसको बड़ा कर देते बराबर बराबर। तो यहाँ से ना इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से तो निकलेगा नहीं बराबर। तो W इसमें से कॉमन लिया, इसमें से कॉमन लिया तो इसके नीचे आ जाएगा ना W बराबर। तो W अपन W इज इक्वल्स 1.1 तो यहाँ पे डाल दिया W 1.1 डाल दिया इंटू 1 कर दिया। अल्फा इज इक्वल्स टू 1, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 हम लोग को दिया है क्वेश्चन में कहीं पे। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 1, अल्फा इज इक्वल्स टू 1, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 कोई हाँ यहाँ पे दिया है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमने ले लिया 98.1 into 2 into 40 बराबर। तो इसने इस सब का कर लिया कैलसे हुए तो आंसर आ गया 541.78 ओमेगा। ये न्यूटन्स में है, न्यूटन्स न्यूटन अपना न्यूटन भाई बराबर। इसको न्यूटन्स में से चेंज करने के लिए देखो 1 kg इज इक्वल्स होता है 98.1 न्यूटन। तो ये अपना न्यूटन जो होता है अभी ये हम लोग को आंसर मिला है न्यूटन्स में, न्यूटन्स को कर देंगे हम लोग टन्स में, हम इस वेट में W में करना है अपने को बराबर। तो ये W तो रहेगा, ये वाला W है इसको पीछे डाल दिया बराबर। इसको अगर डिवाइड करते हैं हम लोग 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 1000 से, किससे 9.81 मल्टीप्लाई बाई 1000 से, अगर 1000 से डिवाइड नहीं किया तो आंसर हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मिल जाएगा 52 टन्स। तो बहुत ज़्यादा देखो 54.78 डिवाइड बाई 9.81 बराबर। तो क्या आंसर है देखो 55। तो 55 टन मतलब तो बहुत ज़्यादा फोर्स होता है भाई, ये 10-12 बिल्डिंग तोड़ देगा 55 टन का फोर्स बराबर। तो अभी क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आंसर आ गया इतना, सॉरी यहाँ डिवाइड करने का था ब्रैकेट डाल के, अभी चलेगा। तो ये अपना आंसर आया, देखो ये जो आंसर आया हमने टन्स में निकाला क्योंकि वेट में निकाला बराबर। और अभी जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, अभी जो ये जो आंसर आया ना अपना ओमेगा W, यहाँ पे W बचा W, W इज इक्वल्स क्या होता है 400 into ओमेगा L, W इज इक्वल्स 400 into ओमेगा L, ये टाइप के सम के लिए यही होगा। ये जो टन्स दिया है अपने को वेट्स, मतलब ये ट्रेन का वेट प्लस कार्गो का वेट, ये कार्गो मतलब अपना वजन जो भी सामान रखा है। तो अभी देखो यहाँ पे W है ना, ये वाला W, W की जगह पे डाल दिया 4 into ओमेगा L बराबर। तो ये जो है ना यही लाइन अपना बराबर। तो ये क्या है, ये जो फोर्स, ये जो फॉर्मूला आया है FT इज इक्वल्स टू म्यू इंटू ओमेगा एल, सॉरी हम डब्ल्यू एल FT इंटू म्यू इंटू ओमेगा एल। अब कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन, म्यू अपना क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन, म्यू अपना कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन है। तो ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हो तो FT कॉमन हो गया, तो यहाँ पे पूरा लिख दिया और यहाँ पे ये लिख दिया बराबर। तो यहाँ पे ओमेगा एल फाइंड करना है, अनुन करके ओमेगा एल फाइंड कर दिया, ओमेगा एल हम लोग को क्या मिला 152.7 टन्स, मतलब इतने का ट्रेन का वजन है बराबर। तो नंबर ऑफ एक्सेल्स इज इक्वल टू ओमेगा एल डिवाइड बाई 20, ये 20 क्यों लिया, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है 20, मतलब इफ द एक्सेल इज नॉट एग्जिट 20 टन्स, मतलब जो अपना जो ड्राइविंग एक्सेल है ना, एक्सेल है जो घूमता है पहिए के ऊपर वाला एक्सेल, उसको ना 20 टन से ज़्यादा वजन नहीं जाना चाहिए उसके ऊपर, तो ऐसा कितना एक्सेल लगाना पड़ेगा, तो ओमेगा एल जितना अपना ट्रेन का वेट है डिवाइड बाई ये कर दिया 20, तो हम लोग को 7.6 मिला, तो 8 लगाना पड़ेगा, 8 एक्सेल कम तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि 6 तो 600 टन मतलब क्या 600 किलो हो जाता है टन में, टन्स में अगर बात करते हैं इसको टन में, सॉरी ये टन बने सॉरी ये एक्सेल है, सॉरी नंबर ऑफ एक्सेल है, नंबर ऑफ एक्सेल ओमेगा एल डिवाइड बाई टन, तो टन यहाँ पर भी टन में टन रहेगा, यूनिट यूनिट की बात करते हैं देखो ओमेगा एल क्या होगा टन में होगा, और ये जो एक्सेल है ये जो 20 ये भी तो लोड है ना, लोड भी टन में होगा, तो टन टन कैंसिल हो जाएगा तो नंबर बचेगा न्यूमेरिकल बराबर। तो इसलिए हमारा न्यूमेरिकल का आंसर आएगा ओमेगा एल बाई 20 इसको ये होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक क्या है, ओमेगा एल डिवाइड बाई लोड अलोड 152.6 डिवाइड बाई 20 कर दिया बराबर, तो आंसर क्या आ रहा है 7 आ रहा है,
ये लोग को राउंड फिगर करने के लिए 7 किया है, लोग ने दो बढ़ा दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 20 दिया है, तो एक था मिस्टेक था यहाँ पे और एक। चलिए ठीक है, तो ये सम हो गया, तो ये देखते हैं नेक्स्ट सम की ओर। लास्ट सम है, बहुत चिंदी बहुत ईजी सम है। ओके, ये समय कोई मिस्टेक नहीं दी गई है, तो डायरेक्टली हम लोग इसी में से कर लेते हैं। ओके, पेज नंबर 44 पे दिया गया है अपने को इजी सॉल्यूशन में। ओके, शेड्यूल स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टॉप अपॉन एक्चुअल टाइम ऑफ रन प्लस टाइम ऑफ स्टॉप, मतलब जो अपना लोकल के इंडिकेटर पे देखते हैं हम लोग, जो टाइमिंग रेलवे के इंडिकेटर पे या कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी चले जाए, जो रेलवे के इंडिकेटर पे जो टाइमिंग दिखता है वो होता है अपना शेड्यूल स्पीड। ओके, एक्चुअल टाइम ऑफ रन तो बता नहीं सकते कभी भी, चला कभी भी स्लो चलाता है, कभी ड्राइवर फास्ट चलाता है। एस इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस 6 किलोमीटर दिया गया अपने को क्वेश्चन में, और शेड्यूल स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड, सॉरी सेकंड नहीं होता है, ओके किलोमीटर पर आवर। TS इज इक्वल टू स्टॉप टाइम, TS इज इक्वल टू स्टॉप टाइम 60, और ये अल्फा इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड, बीटा इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। तो ये जो अल्फा दिया है, बीटा दिया है, बीटा सी नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा अपना, ये ट्रेपेज़ॉइडल, सिंपल है, ट्रेपेज़ॉइडल का हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा, यहाँ पे कुछ नहीं। ओके, तो शेड्यूल स्पीड का फॉर्मूला, ये शेड्यूल स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस एक्चुअल टाइम को मैंने TT से दिखाया, एक्चुअल टाइम को TT से दिखाया, कैपिटल टी भी दिखा सकते हैं, ये T4 टोटल नहीं है, एक्चुअल टाइम अपना है। तो 6 यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे 6 डाल दिया, सॉरी शेड्यूल स्पीड इज इक्वल्स अपना 60 दिया है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक 60, यहाँ पे मैंने मेरे से प्रिंटिंग 60 आ गया यहाँ पे, बराबर। ये पूरा अगर सॉल्व कर लेंगे, कैल्सियम में डाल दोगे तो 6/60T × 60, तो क्या हो गया 3600, तो TT मिल गया अपने को 300, TT डायरेक्टली मिल गया अपने को 300, बराबर 300 मिल गया TT। और हम लोग K फाइंड कर लेंगे, K होता है 1/2α + 1/2β, याद रखें 1/2α + 1/2β, K = 1/2α + 1/2β। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो ये भी याद रख सकते हैं, बराबर, ये इसका बाद में बता, तो पहले बता दो। तो VM इज इक्वल टू T - T, मतलब ए यहाँ एक्चुअल टाइम ऑफ रन, TA जो कैपिटल T लिखा गया है यहाँ पे एक्चुअल टाइम ऑफ रन, अंडर रूट ऑफ T² - 1440K × S। K मतलब क्या, ए जो हमने फाइंड किया, K मतलब कांस्टेंट, 2 × K मतलब कांस्टेंट, मतलब खाली ये पर्टिकुलर रन के लिए कांस्टेंट रहेगा, बाकी सब के लिए नहीं। V इज इक्वल टू T मतलब 300, अंडर रूट ऑफ 300² - 1400 × K, K का वैल्यू डाला, S मतलब छक्का, ये वाला डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस, ओके डिवाइड बाई 2K आ गया, 2 आ गया, K का वैल्यू डाला, डायरेक्टली VM मिल गया, खत्म बात, सम सॉल्व। ओके, मतलब उसमें मैक्सिमम स्पीड फाइंड करने बोला था सम में, अभी देखिए इसमें से कैसे कर सकते हैं सम, मैं बता रहा था यहाँ पे। तो VM², तो VM क्या है पता नहीं ना भाई, फाइंड करेंगे हम लोग। K क्या है 0.416 माइनस साइन T मतलब हम लोगों को मिला ना 300 मल्टीप्लाई बाई VM मतलब क्या अपना, ये VM, तो VM प्लस 3600 × S, S मतलब क्या छक्का, सी दिया अपने को 6। ओके, तो इसको डाल देंगे कैल्सियम में फटाक से। ओके, मैं अल्फा अभी देखो, चलो कौन सा कंसीडर करो, तुम बोलो चलो बी कर लेते, डी कर लेता हूँ। ओके, डी फॉर दाउ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई के का वैल्यू 0.416 माइनस 300 × VM, VM मतलब सेम ही डालना पड़ेगा ना हम लोग को, डी प्लस 3600 × 6 α = 0, ये सॉल्व कर देंगे, सेंटेक्स ऐसा आता है तो नहीं करने का, सेफ डबल के सॉल्व करने का, बराबर। तो 81.26 सेम आंसर आएगा, 81.13, ये मैंने बुक का छापा है, बुक का आंसर हमारा यही आएगा 81.26, बराबर। तो यहाँ पे चारों सम सॉल्व होते हैं, तीनों में से एक सम तो कंफर्म आना चाहिए, क्योंकि देखते हैं ना अगर ये पेपर की बात करें तो दिसंबर में बात करें, दिसंबर में तो आया था ये वाला सम, अ ट्रेन इज एवरेज स्पीड ऑफ 73 किलोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू सौ भी छक्का, एंड द ट्रेन एक्सीलरेशन 2 किलोमीटर एंड रिटार्ड्स 3 किलोमीटर, जिस हम लोग को क्या दिया दिया, चलो एवरेज स्पीड मतलब क्या, VM, ये क्या मतलब अल्फा, ये मतलब बीटा। द मैक्सिमम स्पीड, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एंड शेड्यूल स्पीड ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप इज इक्वल टू छक्का, छः सेकेंड बराबर 60 सेकेंड्स, TZ मतलब ट्रेपेज़ॉइडल स्पीड टाइम का अज्यूम करने वाला है, राइट समय, तो यही समय, सेम समय, छोटा सा समय, और ये आ जाता है 10 मार्क के लिए। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को भाई, अच्छा लगा ना, तो चलो ठीक है, बाय, थैंक यू।